Good morning to everybody. इस महीने का ये मेरा सेकंड व्याख्यान है और ये टॉपिक विशेषकर बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी फाइनल के बच्चों के लिए सूटेबल है क्योंकि उनके कोर्स में भी टॉपिक है। और पिछले 10 वर्षों से हम स्नैक के ऊपर कलेक्शन कर रहे हैं, स्नैक की फोटोग्राफी कर रहे हैं और फील्ड में मेरा काफी अनुभव है सांपों के बारे में, तो मेरी जो पर्सनल फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशंस है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज का जो व्याख्यान है स्नैक बाइट पे रहेगा, टोटल फोकस। और राजस्थान के जितने भी स्नैक है, विशेषकर चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो सांप हमने ऑब्जर्व किए हैं, उनके बारे में भी मैं फोटोग्राफी शेयर आपसे करूंगा। स्नैक बाइटिंग जो है ये एक तरह की ऑक्यूपेशनल डिजीज है, धंधा करने वाले विशेष रूप से, जैसे खेतों में काम करने वाले किसान लोग जो है, फार्मर्स, रबर और कॉफी के प्लांटेशन करने वाले जो वर्कर्स हैं, हर्डमैन है, गडर ये जो होते हैं खेतों के अंदर गाय भैंसे बकरियां चराते हैं, शिकारी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, हंटर्स जो जंगलों में घूमते रहते हैं, इसके अलावा स्नैक हैंडलर्स जिसमें विशेषकर कालवेलिया कम्युनिटी जो होती है स्नैक चार्मर का काम करती है, या गोगा जी के मेलों में सांपों के शो भी होते हैं, और मछलियां पकड़ने वाले फिशर्समैन, क्योंकि सांप स्थलीय भी होते हैं, जलीय प्रकृति के भी होते हैं, तो नदियों में समुद्रों में मछली पकड़ने वाले फिशर्समैन और सी स्नैक कैचर्स, ये कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो स्नैक बाइटिंग का सामना करना पड़ती है और स्नैक बाइटिंग ये शिकार होते रहते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि कौन कौन स्नैक बाइटिंग रिस्क कैटेगरी में जैसे आते हैं, एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग, इको टूरिज्म में जो टूरिस्ट है जंगलों में घूमने जाते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर, स्नैक हैंडलिंग में इन्वॉल्व जो पर्सन है विशेषकर कालवेलिया कम्युनिटी, और शिकारी प्रवृत्ति के लोग हैं, मछलियां पकड़ने वाले जो लोग हैं, ये स्नैक बाइटिंग के शिकार होते हैं। और इसके अलावा आमजन भी, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और स्नैक है आजकल ह्यूमन कम्युनिटी में भी आने लग गए, घरों के अंदर भी आने लग गए। आप कभी मुंबई जाओ तो वहां पर कोबरा सांप घरों में आने लग गए, क्योंकि जंगल धीरे धीरे फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जगह जगह कॉन्क्रीट के जंगल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, सांपों का रहने का जो आवास और वासस्थान है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो ये ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ ये मूव करने लग गए, ये एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या रहेगी। स्नैक के बारे में जो बेसिक जो बैकग्राउंड है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार भारत में करीब 83,000 केसेस स्नैक बाइटिंग के आते हैं और इनमें 11,000 व्यक्तियों की प्रति ईयर मृत्यु होती है, लेकिन ये डाटा मिसलीडिंग है। ये वो डाटा है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर स्नैक बाइटिंग सेंटर है जिसमें इंडिया में कहीं भी स्नैक बाइटिंग का केस होता है तो टेलीफोन के द्वारा वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि मेरे गांव में जैसे इस वर्ष 3 व्यक्तियों की डेथ हुई है स्नैक बाइटिंग से, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने इस सेंटर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते नहीं है जनरली, क्योंकि गांव में प्रचलन है कि गोगा मेडी के ऊपर ले जाओ, है वहां पर अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि सांपों की जो हल्की बाइटिंग होती है, इसको पान लगना बोलते हैं गांव में, है कि पान लग गया, तो हल्की बाइटिंग होती है तो उसमें ठीक है, बाइटिंग तो होती है लेकिन सांप का जो पॉइजन है वो ब्लड में नहीं जाता है और आदमी की डेथ नहीं होती है, तो गांव में तो ये प्रचलन है कि पान लग गया और गोगा मेडी के ऊपर ले गए, वहां पर 5-7 दिन उसको रखते हैं, वो ठीक हो जाता है, लेकिन हकीकत क्या है कि वो गहरी बाइटिंग नहीं है। सांप को आप जितना ज्यादा छेड़ोगे वो उतनी गहरी बाइटिंग करेगा, नहीं छेड़ोगे नो प्रॉब्लम, आपके कमरे में यदि सांप है आप उसको छेड़खानी नहीं कर रहे हो, सांप कोने के अंदर आपके पलंग के नीचे बैठा रहेगा, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। छोटे जो सांप होते हैं, सप्लोटिया जिसको बोलते हैं, सप्लोटिया है वो बहुत खतरनाक है, अपन ये सोचेंगे कोबरा सांप 6 फीट का है और उसका बच्चा 1 फीट का है, ये क्या खतरनाक होगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं इनमें लार बहुत ज्यादा बनती है, अपने ह्यूमन के बच्चों में आप देख लो, छोटे बच्चों में लार बहुत ज्यादा बनती है, और सांप का जो जहर है वो एक तरह की लार ही है, इसकी सलाइवा ही होती है, सैलिवरी ग्लैंड का प्रोडक्ट है, तो छोटे जो बच्चे होते हैं सांपों के वो ज्यादा डेंजरस है। इसमें भी नर सांप जो होते हैं वो ज्यादा खतरनाक है, डिजर्ट के जो सांप है वो ज्यादा खतरनाक है, ये कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस की फैक्ट है। एपिडेमियोलॉजी के बारे में कुछ कंसेप्ट है इसमें कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 बाइट, जैसे WHO की रिपोर्ट है, 2000 बाइट प्रतिवर्ष होती है और इसमें 35,000 से 50,000 तक डेथ हो जाती है,
लेकिन वास्तविक आंकड़ा आप मान लो एक तहसील में भी मान के चलो, हर गांव में एक केस रोजाना साल में होता है कम से कम। अब राजस्थान का कोई भी गांव देख लो, उस गांव में आप चर्चा करोगे तो एक केस आपको जरूर मिल जाएगी जिसको सांप ने काटा है। डेथ हुई या नहीं हुई वो अलग चीज है, लेकिन एक तहसील में प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की डेथ जरूर होती है। अब पूरे भारतवर्ष में कितनी तहसीलें हैं, अपने राजस्थान में देखे तो कम से कम 250 तहसीलें हैं, पूरे इंडिया में आप काउंटिंग करो तो ये लाखों से ऊपर ये आंकड़ा जाता है। तो ये जो WHO की रिपोर्ट है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये डाटा वो है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सेंटर में टेलीफोन के द्वारा दर्ज कराई गई है। लाखों मामले ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं होते और वो डाटा के ऊपर पोर्टल के ऊपर आ नहीं पाते। भारत में जो मुख्य मृत्यु दर स्नेक बाइटिंग की जो केस रिपोर्टेड है वो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए हैं। नर में यानी मनुष्यों के अंदर काटने की दर है वो ज्यादा होती है महिलाओं की तुलना में, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर घरों में काम करती है, हाउस होल्ड किचन वर्क करती है, और जेंट्स होते हैं वो खेतों में जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो स्नेक बाइटिंग के केसेस जो है वो नर में फीमेल की तुलना में डबल होते हैं। काटने का जो केस है वो जनरली पैरों के निचले हिस्से में, क्योंकि जमीन के ऊपर सांप है, आप भी जमीन के ऊपर चल रहे हो तो टांगों का जो नीचे वाला जो हिस्सा है पिंडली वाला, वहां पर स्नेक बाइटिंग केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खेतों में सोते भी हैं रखवाली के लिए, उसमें वो माचे भी सोते हैं तो उस केस में आपके फेस के ऊपर भी बाइटिंग हो सकती है, हाथों में बाइटिंग हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज वो शरीर के निचले हिस्सों में। इसलिए खेतों में जब भी काम करो तो गम बूट पहनना चाहिए या बूट पहनना चाहिए, जूते नहीं पहनने चाहिए, ऐसे जूते जो कम से कम जिनका जो लेदर का जो ऊपर वाला पार्ट है 1 फीट तक ऊपर हो, गम बूट इसको बोलते हैं, फौजी जॉग जो पहनते हैं उस तरह के जूते खेतों में काम करने वाले आदमियों को पहनने चाहिए। 50% बाइट जो होती है जहरीले सांपों की वो ड्राई बाइट होती है। ड्राई बाइट मतलब पान लगना, जिसको हल्की सी झड़प मान लो, खरोंच मान लो, सांप ने काटा है लेकिन आपकी स्किन पंक्चर नहीं हुई है और सांप का जो वेनम है वो आपके ब्लड में नहीं गया है, तो 50% जो बाइट है वो ड्राई बाइट होती है। लेकिन सांप को आपने यदि परेशान कर लिया, विशेषकर ब्रीडिंग सीजन में, सांप का जब प्रजनन काल चल रहा हो उसमें उनकी मेटिंग इवेंट चल रही हो, कॉपुलेशन इवेंट चल रही हो, यदि उसमें आपने सांप को डिस्टर्ब कर दिया तो उसमें ये बहुत जहरीले होते हैं। और ये मैंने देखा है कि कोबरा सांप है वो एकदम वर्टिकल लाठी की तरह एकदम खड़ा हो जाता है 180 डिग्री पे, और उसमें जो बाइटिंग है इनकी बहुत खतरनाक होती है, और एक तरह से बाइटिंग इतनी खतरनाक होती है कि कम से कम 5 ml पॉइजन जो होता है वो आपके ब्लड में इंजेक्ट होता है। 5 ml ब्लड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कम से कम 200-300 वैक्सीन की आवश्यकता होती है। इसमें एक स्लाइड आएगी, मैं शेयर करूंगा आपसे कि एक वैक्सीन में कितना ml पॉइजन है वो न्यूट्रलाइज होता है। ये जैसे इंडिया का फिगर दिखाया है, इसमें जो मैक्सिमम केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, यहाँ पर स्नेक बाइटिंग मैक्सिमम है। और इसके अलावा अपने राजस्थान में भी केसेस रिपोर्टेड होते हैं, गुजरात में भी होते हैं। क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो रेप्टाइल्स में जैसे लिजार्ड फैमिली है, स्नेक फैमिली है, और स्नेक फैमिली के अंदर भी कुछ फैमिली ऐसी हैं जो नॉन पॉइजनस सांपों की है, कुछ ऐसी है जो पॉइजनस सांपों की है। इसमें विशेषकर दो फैमिलीज है, एक तो वाइपेरिडी और एक फैमिली है एलापीडी। एलापीडी फैमिली में कोबरा सांप जो होता है कालनाग, नाजा ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा क्रैच सांप, इसको बुंगारस भी बोलते हैं, अपने मारवाड़ी भाषा में इसको पीवना सांप भी बोलते हैं। तो कोबरा सांप और पीवना सांप ये एलापीडी फैमिली के हैं, और वाइपर के अंदर वाइपर सांप, इसको यहाँ स्थानीय भाषा में बांडी के नाम से भी जैसे जाना जाता है। दो तरह की बांडी अपने यहाँ मिलती है, एक तो रसेल वाइपर, ये बहुत ही डेडली पॉइजनस होती है, एक सॉस टेल वाइपर। तो वाइपरिडी के अंदर वाइपर स्नेक है और एलापीडी के अंदर कोबरा और क्रैच सांप है। इसके अलावा समुद्री सांप जो होते हैं ये भी बहुत जहरीले होते हैं। समुद्री सांपों की पूंछ जो होती है वो चपटी होती है, क्योंकि वो एक तरह से वो फिन का काम करती है। इवोल्यूशन के दौरान इनकी भुजाएं विलुप्त हो गई है सांपों की, क्योंकि टेट्रापोड्स नहीं है, रेंग के चलने वाले प्राणी है, क्रीपिंग एनिमल्स हैं, और इवोल्यूशन के दौरान इनकी भुजाएं है वो विलुप्त हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। लेकिन पूंछ का पिछला हिस्सा जो होता है वो एकदम चपटा हो जाता है, पतवार के समान काम करता है और एज ए फिन की तरह वो काम करता है। तो जितने भी कोस्टल एरियाज है, गुजरात का जैसे इलाका है, चेन्नई का है, केरला का है, बंगाल की खाड़ी है, तो समुद्र के अंदर जो मछली पकड़ने वाले जो है फिशर्समैन है उनको भी स्नेक बाइटिंग का सामना करना पड़ता है।
भारत में लगभग 200 साल ये 16 स्पीसीज जैसे डिटेक्ट हुई है, और मेरे पास ये किताब किताब है, ये रुमुलस विटेकर की, ये इंडियन संदर्भ में किताब है। इसमें करीब 252 स्पीसीज का जिक्र है, और इन टोटल सांपों में मुश्किल से 2% सांप ऐसे हैं जो पॉइजनस है। भारत में टोटल पॉइजनस देखा लगभग 50 स्पीसीज के आसपास है, और उनमें भी डेडली पॉइजनस में कोबरा सांप हो गया, करेज सांप हो गया, वाइपर हो गए, किंग कोबरा हो गया। इसके अलावा जलीय प्रकृति के जो सांप है वो जहरीली प्रवृत्ति के हो सकते हैं, बाकी जो सांप है वो नॉन पॉइजनस है, या पॉइजन है तो इनका इतना जहरीला नहीं है। ये नहीं कि सांप ने काटा और 3-4 घंटे में व्यक्ति की डेथ होगी, ऐसी सिचुएशन नहीं है। डेथ होने में 5-6 दिन का समय लग जाता है, और 5-6 दिनों में आप ट्रीटमेंट है वो चालू कर सकते हो। इसलिए विशेषकर 4-5 सांपों को आप अपने दिमाग में ध्यान रखें, उनकी इमेज को ध्यान रखें, उनको पहचानने के जो फीचर्स है वो ध्यान में रखें, और बाकी नॉन पॉइजनस। अपने चूरू में भी आप देखो तो मुश्किल से 3 सांप है वो पॉइजनस है, और करीब 15-16 स्पीसीज नॉन पॉइजनस है, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। और मैं सबके फिगर में आपसे शेयर करूंगा। ये स्नेक बाइटिंग का जैसे पाई डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो कोबरा और क्रैथ सबसे ज्यादा केसेस 83% इंडिया में इसी के होते हैं। 5% केसेस वाइपर के रिपोर्टेड हैं। 2% स्नेक बाइटिंग ऐसी है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या है कि हर सांप के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग वैक्सीन है। कोबरा ने बाइट किया है तो उसका अलग वैक्सीन है, वाइपर ने काटा है तो उसका अलग वैक्सीन है, नाजा बुंगारस ने काटा है तो उसका अलग वैक्सीन है। हालांकि कॉकटेल वैक्सीन भी बन चुकी है, किसी भी सांप ने काटो और आप बिना पूछे उस वेनम का ट्रीटमेंट आप चालू कर सकते हो, तो कॉकटेल वैक्सीन भी है वो बन चुकी है। और इंडिया में 2 सेंटर है, जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट है पुणे में, और एक कसौली हिमाचल प्रदेश में। ये 2 ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर वेनम के एंटी वेनम जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, और 3% बाइटिंग है वो नॉन पॉइजनस सांपों की होती है। ये एक जनरल सर्वे का पाई डायग्राम है इसमें। बॉडी के किस पार्ट में मैक्सिमम बाइटिंग होती है, इस ग्राफ में आप देख रहे हो 50% बाइटिंग है वो टांगों के निचले हिस्सों में, पिंडली वाले हिस्से में। 32% बाइटिंग ऊपर वाली भुजाओं में होती है। 10% बाइटिंग फेस के ऊपर होती है, आईब्रो के पास। और 8% बाइटिंग है वो अनआइडेंटिफाइड एरिया, क्योंकि खेलों में आप बिना खेतों में बिना कपड़े यदि सोते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो किसान लोग होते हैं रात को केवल अपना जो नेकर मान लो उसी में पहन के सो जाते हैं, उसमें उनका बदन है वो नंगा रहता है, तो एब्डोमेन के ऊपर भी बाइटिंग हो सकती है, चेस्ट के ऊपर बाइटिंग हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा बाइटिंग है वो टांगों के निचले हिस्सों में होती है। ये सीजन वाइज जैसे हिस्टोग्राम दिखाया है इसमें, तो मानसून सीजन में सबसे ज्यादा बाइटिंग होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में लोग वह खेतों में काम करते हैं, और सबसे ज्यादा जंगलों के अंदर खेतों के अंदर किसान लोग रहते हैं, तो सबसे ज्यादा स्नेक बाइटिंग केसेज है वो मानसून सीजन में है। इससे कम फिर स्प्रिंग सीजन में है, समर सीजन में बाइटिंग कम होती है, ऑटम सीजन बहुत कम होती है, और सर्दियों के दिनों में सांप है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, नवंबर से लेकर जनवरी तक का महीना, और उसके बाद में जब गर्मी प्रारंभ होती है तो अपनी कैचुली को उतार कर फिर वो गर्मी के मौसम में फिर बिलों से बाहर आते हैं। तो ये सीजन वाइज जैसे ग्राफ इसमें दिखाया है। ये इसमें टोल फ्री नंबर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, जहां पर स्नेक बाइटिंग का सेंटर है, और आप जब भी किसी भी गांव में कोई भी केस हो स्नेक बाइटिंग का, आप टेलीफोन के द्वारा यहां पर आप दर्ज करवा सकते हो, और टेलीफोन के द्वारा जब ये डाटा यहां पर दर्ज हो जाएंगे तो ये डाटा WHO की जो लिस्ट होती है वर्ल्ड वाइड लिस्ट, किस किस कंट्री में कितने स्नेक बाइटिंग केसेज हुए, कितनी डेथें हुई, तो ये डाटा ऑथेंटिक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 80% केसेज में स्नेक बाइटिंग केस है वो इस टेलीफोन नंबर पे दर्ज ही नहीं हो पाती है। जो पेशेंट हॉस्पिटल में पूछते हैं, हो सकता है हॉस्पिटल के डाटा दिल्ली को फॉरवर्ड किए जाते होंगे, लेकिन इस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, कॉन्क्रीट आइडिया। अब ये है कि बेस्ट मैनेज कैसे करें, क्योंकि ये एक कंसेप्ट है इकोसिस्टम का कि यदि सांप यदि इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाए तो दुनिया की 25% मनुष्यों की आबादी भूख से मरेगी, क्योंकि फूड चेन का ये पार्ट है, इकोसिस्टम का एक पार्ट है। हर एनिमल का हर प्लांट का अपना अपना महत्व है। आज कितने इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो गए, कितने प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए, कितने फंजाई एक्सटिंक्ट हो गई,
कितने बैक्टीरिया एक्सटिंक्ट हो गए। हर फ्लोरा और फौना का अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। इस फिगर में आप देख रहे हो चूहे जैसे, खेतों में चूहे जो होते हैं ये मेनली खाद्यान्नों को डैमेज करते हैं, नो डाउट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जिस खेत में यदि सांप हो तो वो सांप इन चूहों को भी खाएगा, चूहों को खाएगा तो आपकी फसल की क्रॉप प्रोटेक्शन अपने आप से होगी। और अमेरिका में तो बाकायदा कानून पास कर रखा है कि जो किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, उनके एक बीघा खेत में कम से कम 10 सांप होने बहुत जरूरी है, नहीं है तो आप कहीं से कैप्चर करके या परचेज करके आप अपने फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करो। तो ये एक फूड चेन बनी है, खाद्यान्न को चूहे खाते हैं, चूहों को सांप खाते हैं, सांप को जो शिकारी पक्षी है वो खाते हैं, तो पूरा एक फूड चेन बना हुआ है, इकोसिस्टम का बैलेंस बना हुआ है। और फूड प्रोडक्शन में इसका एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मान लो एक बहुत बड़ा रोल है। अब मैं इसकी पॉइजन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। अभी जैसे मैंने बताया कि सांप का जो वेनम है वो लार होती है, इसकी अपने माउथ में जैसे लार ग्रंथियां होती है चार तरह की, सांप के अंदर भी ये पॉइजन ग्लैंड है। और इस पॉइजन ग्लैंड के तीन पार्ट है, एक तो इसकी थैली जिसके अंदर ये सलाइवा बनती है, इस थैली से जब पॉइजन आगे फ्लो होता है वो एक पाइप है, इसको पॉइजन डक्ट बोलते हैं, और पॉइजन डक्ट के आगे जो है वो दांत है इसमें। तो पूरे पॉइजन एपरेटस के तीन पार्ट है, इसकी विष की थैली होगी, इसकी विष की नलिका होगी, और सबसे आगे इसके दांत हो गए। दांत भी सांपों में तीन तरह के मिलते हैं, वो भी इसमें मैं डिस्कस करूंगा। ये जैसे पिक्चर दिखाई है इसके स्नेक के हेड की, क्लोजअप जैसे दिखाया, ये इसके अंदर आगे वाले दांत है, इंसाइजर दांत है। जीभ जो है इसकी बाइफिड होती है, द्विशाखित प्रकार की, और यहाँ पर ये जो मैंडिबल का जॉइंट है यहाँ पर ये इसकी थैली होती है, और थैली और दांत के बीच में इसका एक माइन्यूट पाइप होती है कैपिलरी टाइप का। इसमें आप देखो ये पॉइजन ग्लैंड्स, ये पॉइजन डक्ट होगी, और ये आगे इंसाइजर दांत है, इसके अंदर ये थैली खुलती है। ये दांतों का जैसे फिगर दिखाया, इसमें तीन तरह के दांत सांपों में देखने को मिलता है। एक तो सोलेनोग्लाइफस, सोलेनोग्लाइफस सांप है, ये वाइपर में मिलते हैं, रेटल स्नेक में मिलते हैं, और इस तरह के जो दांत होते हैं वो अपने हॉस्पिटल में इंजेक्शन जो लगाते हैं उस तरह का होता है, खोखला पाइप जैसे मान लो, और इस तरह के दांत वाइपर में मिलेंगे, रेटल स्नेक में मिलेंगे। प्रोटीरोग्लाइफस दांत जो है ये कोरबा में मिलते हैं, क्रैत में मिलते हैं, और ये दांत प्राय सॉलिड टाइप के होते हैं, और इसमें एक तरह की खाली या ग्रूव बनी होती है, जिस तरह आप शिवलिंग पे जैसे दूध चढ़ाते और वो दूध उस खाली में जैसे बहके जैसे जाता है, तो उस तरह के ये दांतों की बनावट है इसमें। इसका क्रॉस सेक्शन आप देखो तो सी सी की आकृति का दिखेगा, और इस ग्रूव के द्वारा पॉइजन का जो है वो फ्लो होता है। तीसरे जो दांत है ये ऑफिस्थोग्लाइफस, इसमें क्या होता है कि जैसे बंसरी में जैसे दो अपर्चर है आगे और पीछे, उसमें इसी तरह के ये अपर्चर है, एक नैरो इसमें ग्रूव होता है, और साइज इनकी बहुत छोटी होती है। तो तीन तरह के दांत सांपों के अंदर पाए जाते हैं, सोनेरोग्लाइफस टाइप के, प्रोटीरोग्लाइफस और ऑफिस्थोग्लाइफस। ये इनके स्कल का हड्डियों का जैसे फिगर दिखाया है इसमें। सांपों का जो जबड़ा है इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, अजगर को जैसे देखा होगा, अजगर दिखने मान लीजिए 6 इंच का है, लेकिन पूरे हिरण को निकल लेता है, बकरी को निकल लेता है, मतलब अपने से साइज से 3-4 गुना जो बड़ा एनिमल है, मैमल्स है, उसको निकल लेता है। इसका मेन कारण क्या है कि इनकी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, हड्डियों के अंदर अपनी जैसे कपाल में रिजिड जॉइंट है, इस तरह का रिजिड जॉइंट नहीं है, और जब भी ये शिकार को निकलता है उसमें जबड़ा एकदम एक्सपेंड हो जाता है मसल्स के कारण। और दांत जो होते हैं वो नॉर्मल पोजिशन में दांत है वो ऊपरी जबड़े की तरफ जो मुड़े हैं, लेकिन जब जबड़ा एक्सपेंड होगा तो दांत एकदम आगे आ जाएंगे और शिकार को पकड़ेगा। अब जितनी गहरी बाइटिंग होगी सांप, इसका दांत का पंक्चर उतना ही गहरा होगा, और जितना जबड़ा गहराई से भींचा जाएगा, कसा जाएगा, उतना ही ज्यादा पॉइजन उस शिकार की बॉडी में चला जाता है। और ये डिपेंड करता है कि सांप का, सांप मान लीजिए बहुत ज्यादा भूखा है, उस केस में ये बहुत खतरनाक बाइट करता है, काफी भोजन किए सांप। कई बार ये भी देखा है कि सांप ने मान लीजिए 15-20 चूहे खा लिए, उसका पेट भरा हुआ है, और उस केस में आप उसके सामने खड़े भी हो तो बाइट नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो पॉय भरा हुआ है। और ब्रीडिंग सीजन में यदि आप इसको छेड़खानी कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, उसमें बहुत खतरनाक बाइट करता है। और सांपों के बच्चे जो होते हैं उनका पॉइजन ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में लार बहुत ज्यादा बनती है, इसलिए आप ये ध्यान में रखें, ये नहीं हो कि सांप 6 इंच का है तो क्या डरना, सपलोटिया है वो उनके पेरेंट्स से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।
हाँ, ये मैंडिबल्स का खुला हुआ जैसे पार्ट दिखाया है, इसके अंदर ये मेनली तीन मांसपेशियां जैसे हेल्पफुल होती है, एक तो टेम्पोरलिस मसल्स हैं, एक डाइगेस्टिक मसल्स हैं और एक ये पैराइटल बोन के नीचे मसल्स हैं। ये तीन मांसपेशियां इन जबड़ों के खुलने में बंद होने में काफी हेल्पफुल होती है। अब सांप को आइडेंटिफाई कैसे करें, इसमें ये पिक्टोरियल चार्ट है, ये काफी काम की चीज है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। सांप जैसे जलीय प्रकृति के हो सकते हैं, स्थलीय प्रकृति के हो सकते हैं। जलीय प्रकृति के जो सांप होंगे इनकी पूंछ हमेशा चपटी मिलेगी, क्योंकि वो फिन के रूप में काम में आती है, तैरने में काम में आती है, एक तरह से पतवार के रूप में काम करती है। तो यदि किसी सांप की पूंछ का लास्ट पार्ट यदि चपटा है, फ्लैट है, इसका मतलब ये जलीय सांप है और ये जहरीला है। सांप का टिप यदि अंगुली की तरह मोटा हो सकता है या एकदम पॉइंटेड हो सकता है, वो सांप स्थलीय है, वो जहरीला हो भी सकता है नहीं भी, उस केस में सलकों के द्वारा इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बॉडी पे स्केल्स कैसे हैं। ये जैसे वेंट्रल सरफेस का जैसे तीन फिगर दिखाए हैं इसमें, यदि सांप की वेंट्रल सरफेस पर मछली की तरह यदि सल्क हो, लेबियो मछली जैसे होती है उस तरह यदि अतिव्यापित सल्क हो, इसका मतलब नॉन पॉइजनस स्नेक है। यदि वेंट्रल सरफेस में बीच में आयताकार सल्क हो हॉरिजॉन्टल और दोनों साइड में वर्टिकल हेक्सागोनल यदि स्केल्स हो, इसका मतलब ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। यदि वेंट्रल सरफेस पर केवल सल्क की एक ही लाइन हो, लेफ्ट टू राइट यदि एक एक सल्क हो, आयताकार सल्क हो, इस केस में ये स्नेक पॉइजनस हो भी सकते हैं नहीं भी, दोनों सिचुएशन है। तो वेंट्रल सरफेस के सल्कों के द्वारा इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। मछली की तरह यदि सल्क है नॉन पॉइजनस है, यदि इस तरह का पैटर्न है नॉन पॉइजनस है। पूरी वेंट्रल सरफेस में एक एक सल्क है बहुत लंबे आकार के, ये पॉइजनस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब तीसरी स्थिति में फिर इसके हेड को देखा जाएगा, हेड के जो सिफेलिक सल्क है उनके द्वारा इनकी डायग्नोसिस होती है। यदि हेड त्रिकोणाकार है, ट्राइंगुलर है और हेड और बॉडी के बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, संकीर्णन है, खांच है, इसका मतलब पॉइजनस स्नेक है। और इस तरह की जो स्थिति होती है वो पिटलेस वाइपर में मिलती है। पिटलेस का मतलब इसमें लॉरियल पिट नहीं होता है, पिट है एक तरह का सेंसर है, एक तरह का थर्मो रिसेप्टर्स है। और सांपों के जो मेन जो भोजन है वो मैमेलियन सी होते हैं, और विशेषकर जो गर्म रुधिर वाले जो प्राणी है, वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल जिसको अपन बोलते हैं, इसके अंदर ह्यूमन भी होता है, चूहे भी होते हैं, जर्बिल्स भी हैं, गिलरी भी है। तो जितने भी गर्म रुधिर वाले जो प्राणी हैं उनको ये अपना शिकार बनाता है और उस लॉरियल पिट के द्वारा ये डिटेक्ट कर लेता है कि मैमल्स किधर है, आदमी किधर है, गिलरी किधर है, चूहे किधर है, इस सेंसर के द्वारा इसको डिटेक्शन हो जाता है। पिट वाइपर सांप जो होगा इसके अंदर लॉरियल पिट पाया जाएगा और ये पिट नासा छिद्र और आंखों के बीच में होता है। इस फिगर में आप देख रहे हो आगे नॉस्ट्रिल्स हैं, पीछे ये आंखें दिखाई है, आंखें और नासा छिद्र के बीच में छोटा सा गड्ढा है और लॉरियल पिट यदि प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये पिट वाइपर है और ये जहरीला सांप है। तीसरी जो सिचुएशन है इसमें सल्क यदि बड़े हो, इन दोनों केस में सल्क है छोटे, पहले केस में सल्क बहुत छोटे हैं, सेकेंड केस में सल्क बड़े हैं लेकिन आंख और नासा छिद्र के बीच में पिट है, इसको मतलब पिट वाइपर है। और सल्क यदि बड़े हो और किसी तरह का गड्ढा नहीं हो, इस केस में ये नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है, क्योंकि ये तीसरी जो सिचुएशन है या तो कालनाक सांप की हो सकती है, कोबरा की, या बुंगारस जिसको पिंगना सांप बोलते हैं उसकी हो सकती है। हाँ, ये तीनों का जैसे क्लोजअप इसमें दिखाया है, ये कोबरा स्नेक है और कोबरा स्नेक में जैसे ये सात सल्क है वेंट्रल सरफेस पे ऊपरी जबड़े के लोअर पार्ट में। तो यदि तीसरे नंबर का सल्क यदि बड़े आकार का हो, थर्ड नंबर का सल्क यदि बड़े आकार का हो, इसका मतलब ये कोबरा सांप है और ये भी पॉइजनस होता है। यदि चौथे नंबर का सल्क आकार में बड़ा हो, इसका मतलब ये क्रैत सांप है, पीवड़ा सांप है, ये भी पॉइजनस हो सकता है। तो थर्ड नंबर का स्केल यदि बड़ा है तो कोबरा सांप है, चौथे नंबर का सिफेलिक स्केल यदि बड़े आकार का है तो ये बुंगारस सांप है या क्रैत सांप है। अब बुंगारस सांप जो होगा उसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर,
नेट अपने आप जुड़ जाएगा। तो एक बार पुनः व्यवधान आ गया थोड़ा, स्लाइड में पुनः मैं डिस्कस करता हूं। यदि ऊपरी जबड़े में तीसरे नंबर का सल्क, आंखों के नीचे जो सल्क है, इसकी साइज यदि बड़ी हो, इसका मतलब ये कोबरा सांप है। यदि आंखों के नीचे चौथे नंबर का सल्क स्केल यदि बड़ा हो, इसका मतलब ये बुंगारस या करेत सांप है। बुंगारस सांप जो होगा, इसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर मध्य प्रस्थ पर षटकोणीय सल्कों की एक मिड लाइन भी मिलती है। इस तरह की लाइन हो, इसका मतलब ये जहरीला सांप है। स्लाइड आगे आने की, इसको वापिस वहीं से लेना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है, वन सेकंड। थोड़ी लाइट की वजह से एरर होगी। हाँ, ये जैसे कुंजी है, पूंछ के आधार पर, पूंछ का लास्ट पार्ट चपटा हो, जलीय सांप है, जहरीला होता है। पूंछ यदि गोल या पॉइंटेड हो, ये टेरिस्ट्रियल सांप है। इसके बाद वेंट्रल सल्क देखेंगे, इसके बाद में आंखों के हेड के ऊपर जो सल्क है इनको देखेंगे, और इसके अंदर भी पर्टिकुलर सीक्वेंस, तीसरे नंबर चौथे नंबर का जो स्केल है उसकी साइज कैसी है, उसके आधार पर इनका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा आंखों की जो आईलिड जो होती है, पुतली, आंखों के जो कवरिंग है, यदि सांप यदि आंखें बंद करता है तो वर्टिकल यदि स्लिट है, अपने जैसे हॉरिजॉन्टल पलके, यदि वर्टिकल स्लिट यदि है, वर्टिकली यदि आंख के जो पलके हैं वो यदि बंद होती है, इसका मतलब जहरीला सांप। और यदि सर्कुलर यदि आंख है, कोई आइडलिड नहीं है वर्टिकल, इसका मतलब नॉन पॉइजनस। तो आंखों की बेसिस पे भी, क्योंकि सांप जब खड़े हैं तो आंखें बंद करता है वो, उसमें आप मोबाइल से या कैमरे से फोटो खींच के भी आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये कुछ मेन मेन बातें हैं। इसके अलावा बाइटिंग के जो निशान होते दांतों से, उससे भी अपने को पता लग जाता है। यदि दो निशान है पंक्चर के, इसका मतलब पॉइजनस सांप है, क्योंकि जहरीले सांप जो होते हैं उसमें आगे वाले दांत हैं बहुत बड़े हैं, उसके पीछे रिजर्व टीथ होते हैं। रिजर्व टीथ है वो इतने पॉइजनस नहीं है, उनकी साइज ही बहुत छोटी होती है। और ये स्नैक चार्मर जो होते हैं कालबेलिए, ये क्या करते हैं कि सांप के मुंह में कोई तौलिया या रुमाली है उसको घुसाते हैं, और उस तौलिए को फिर ये जबरदस्त खींचते हैं तो इनके आगे वाले दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं। अब दांत टूट गए तो इसमें दोबारा नए दांत नहीं आएंगे। अब हालांकि वो कहते हैं कि हमें गोरखनाथ जी का श्राप दिया है कि आप 15 दिन से ज्यादा सांप आप नहीं रखोगे, तो 15 दिन वो रखते हैं, 15 दिन बाद में उसको जंगलों में छोड़ देते हैं। लेकिन उनके जो असली जो हथियार थे, वो हथियार तो क्या है, डैमेज हो गए। उस केस में ये रिजर्व टीथ जो होते हैं पीछे छोटे दांत, उनसे फिर सांप अपना क्या काम चलाता है। लेकिन जो लाइफ उनकी स्लगिश होनी चाहिए थी, वो लाइफ उनकी नहीं हो पाती है। ये इंडियन सिनेरियम, जैसे मैंने आपको बताया, 5 जो सांप है उनका आप ध्यान रखिए। किंग कोबरा, ये सांप राजस्थान में नहीं मिलता है, ये विशेषकर हिमाचल जम्मू कश्मीर उधर मिलेगा। कॉमन कोबरा अपने यहाँ अवेलेबल है, कॉमन करैत अपने यहाँ खेतों में मिलता है, रसेल वाइपर अपने यहाँ मिलता है, सौ स्केल वाइपर अपने यहाँ मिलता है। तो ये 5 डेडली पॉइजनस सांप है, केवल इनके चित्र, इनके आइडेंटिफिकेशन आप अपने दिमाग में रखें, बाकी सांपों से आपको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, ये
मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि 215 स्पीशीज जैसे इंडिया में रिपोर्टेड है और इसमें 52 जातियां हैं वो जहरीली है और 52 में भी 5 जातियां बहुत जहरीली है और फिर भी यदि कोई स्नेक बाइटिंग हो जाती है तो 24 घंटे उस पेशेंट की आप निगरानी रखें। लेकिन गांव में ट्रेडिशन है कि वो ओझों की चपेट में आ जाते हैं, तांत्रिकों की चपेट में आ जाते हैं, मौलवियों की चपेट में आ जाते हैं, गोगा मेडी के ऊपर ले गए, वहां पर वो मोर की पांख से झाड़ा देते हैं। अब ठीक है ड्राई बाइटिंग हो तो वो रिकवर हो जाता है, लेकिन यदि एक्चुअल बाइटिंग है, जहरीले सांप ने काटी है, तो वहां पर न तो गोगा जी आपकी हेल्प करेंगे न बालाजी हेल्प करेंगे, उस केस में आपको हॉस्पिटलाइज करना इनका बहुत जरूरी है पेशेंट्स का। तो 24 घंटे आप मॉनिटोरिंग करें, मॉनिटोरिंग के कुछ पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। एक तो ये कि यूनिवर्सल फियर है, घरों में छिपकलियां निकलती है, गोयरे आ जाते हैं कई बार, गोयरे ये भी नॉन पॉइजनस है, लेकिन इसकी जो जीभ है वो द्विशाखित होती है और उससे बाइफर्केट जीभ को देख के गांव में डर जाते हैं और गांव में तो ये भी भ्रांति है कि मैं गोयरा खाने के बाद आदमी पानी नहीं मांगता है, जबकि हकीकत बहुत दूर है। गोयरा नॉन पॉइजनस है और बाकायदा डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप गोयरा लेके आओ, मैं मेरी उंगली उसके माउथ में आपको देके दिखा दूंगा, बाइट भी कर लेगा। हाँ ठीक है वायरस हो सकते हैं क्योंकि जंगली जानवर ये कोई मंजन थोड़ी करते हैं। हाँ ठीक है इनके दांतों में वायरस हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोई वायरल इन्फेक्शन काटने से आपकी बॉडी में हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन पॉइजन नाम की कोई इनमें चीज नहीं होती है। यदि मल्टीपल इंप्रेशन है, दांतों के कई निशान है, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब जहरीला सांप नहीं है, तो बाइट के पॉइंट की बेसिस में भी आप इसमें क्लेरिफाई कर सकते हो। सांप के काटने जगह पर यदि दर्द होता है, स्वेलिंग आती है, उस केस में डाउटफुल है क्योंकि स्वेलिंग आती है, स्किन नीली होने लग गई है, कोई खून के फफोले हो गए, मवाद के फफोले हो गए, उस केस में पॉइजनस स्नेक है और उस केस में हॉस्पिटलाइज है बहुत जरूरी है। और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है उनको कभी भी यूज में नहीं है, जो गांव में देखा है कि चीरा लगा दिया है, फिल्मों में तो वो चूस रहा है, सांप काट लिया चूस रहा है, अब चूस रहा है तो वो कोई कोई थोड़ी है कि स्टील बॉडी थोड़ी है उसकी कि मरेगा नहीं, वो खुद मर जाएगा। अरे सांप के जहर को पीने से मरेगा नहीं आदमी, कंडीशन है कि आपकी आहार नाली में कोई अल्सर नहीं हो, आपकी जीभ में कोई कटी फटी नहीं हो, आप जहर पी लो तो नो प्रॉब्लम। शिवजी ने भी जहर पिया है, मीरा ने भी जहर पिया है, मरी नहीं है, ये उसकी आंत है वो एकदम कंचन जैसी है। हाथ में यदि जरा सी भी ब्लीडिंग है, जरा सा भी घाव हो गया, उस केस में आपने यदि वेनम को पी लिया तो आपकी डेथ हो सकती है। ये स्लाइड में कुछ सिम्टम दिखा, इनको मैं फिगर वाइज आगे आपसे शेयर करूंगा। क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखें, एक तो पलकों के बारे में, यदि स्नेक बाइटिंग में आदमी की पलकें यदि धीरे धीरे झुक रही है, जैसे निद्रा की स्थिति में होती है, ये स्थिति डेंजरस है, इसको आप ध्यान में रखें। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये भी आंखों का ही पॉइंट है, आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है, आंखें निडाल हो रही है, आंखें बंद हो रही है, तो ये बहुत रिस्की है। इसके अलावा सांप का जो बाइटिंग पॉइंट है उसके चारों ओर की स्किन कितनी देर में नीली हो रही है, आप चाहो तो बॉल पेन से मार्क कर लो है कि आधा घंटे में 1 mm नीली हुई, 1 घंटे बाद में 1.5 mm नीली हुई, तो कितनी देर बाद में वो स्प्रेडिंग हो रही है उसके बेसिस पे भी आपको आइडिया लग जाएगी। बहुत धीरे धीरे यदि स्प्रेडिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उतना करवाना चाहिए। अब घंटे भर में मान लीजिए 2 cm नीले रंग की स्किन होगी है तो बहुत खतरनाक स्थिति है और उस केस में उसको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ब्रोकन नेक साइन, गर्दन जो होगी आदमी की ओर लटक जाएगी, यदि गर्दन लटक रही है ये भी एक सिम्टम है जहरीले सांप का। तो ये कुछ लोकल पॉइंट है जिनको ध्यान में रखना चाहिए। इस फिगर में आप देख रहे हो इस बच्चे की उंगली में जैसे ये टिश्यू फ्लूइड है वो इकट्ठा हो गया है, इसका मतलब जहरीले सांप की बाइटिंग है। ये कुछ लक्षण है ब्लीडिंग का, जैसे ब्लड में हेमेटूरिया, ओलिगोयूरिया, हाइपोटेंशन, टोसिस, एफोनिया, आवाज का निकलना बंद हो जाएगा, एफोनिया, डिसार्थ्रिया, ये कुछ लोकल सिम्टम्स हैं। है? वापिस लो। अच्छा
अच्छा ये प्रॉब्लम। हाँ ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें चार सांपों का कंपेरिजन जैसे दिखाया है, कोबरा स्नेक, रेड स्नेक, वाइपर और समुद्री सांप। इनके लोकल इफेक्ट क्या होंगे काटने के और सिस्टमिक इफेक्ट क्या होंगे। यदि कोबरा सांप की जो बाइटिंग होती है उसके अंदर पेन होगा, कटी जगह के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी और इसके बाद नेक्रोसिस, नेक्रोसिस बोलते हैं टिश्यू डेथ को, वहां की चमड़ी है वो धीरे धीरे काले काली होने लग जाएगी। क्रैच सांप ने यदि काटा है तो वहां पर मध्यम प्रकार का मिडिल पेन होगा, बहुत गहरा ज्यादा दर्द इसमें नहीं होता है। स्वेलिंग है वो भी कम आती है और मनुष्य में धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है, मूर्छा आ जाती है। वाइपर सांप ने यदि काटा है तो वहां पर स्वेलिंग आती है बहुत जबरदस्त, दर्द होता है बहुत जबरदस्त और त्वचा का रंग जो होता है वो धीरे धीरे नीला होने लग जाएगा, डिस्कलरेशन। यदि समुद्री सांप ने काटा है तो वहां पर इनिशियल प्रिक जो होता है वहां पर एचिंग होती है, जनरल एचिंग, एक तरह से ऐठन मान लो, एक तरह से इरिटेशन मान लो, टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब तर्कू रूपी, आपके जो अंगुलियां हैं वो यों जैसे टेंडर टाइप की हो जाएगी, सारी अंगुलियां वो भींच जाएगी तो तर्कू रूपी जैसे हाथों की बनावट हो जाती है। स्टिफनेस यानी दृढ़ता, मांसपेशियां वो रिजिड हो जाती है। तो ये इन चार सांपों का लोकल इफेक्ट दिखाया है। अब स्नेक बाइटिंग के फिर 2-3 घंटे बाद में आपकी बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजिंग होती है वो सिस्टमिक चेंजेज है। तो कोबरा सांप के अंदर टॉसिस, आंखों की पलकें आपकी झुक जाएगी, ग्लोसोफेरिंजियल पैरालिसिस, एक तरह से जीभ के अंदर लकवा आ जाएगा, जीभ जो होती है वो बांकी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, रैपिड पल्स, हार्ट बीट बढ़ जाती है, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, फेफड़े काम करना बंद कर देंगे और श्वसन जब्त हो जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। क्रैच सांप के काटने से नोजिया, एक तरह से नक्सीज जैसे बोल सकते हैं, नाक से खून जैसे बहने की स्थिति, एब्डोमेन के अंदर भयंकर पेन होता है, विजुअल डिस्टरबेंस, आदमी को दिखता नहीं है या दिखता है तो डबल इमेजेस दिखती है, दो एक आदमी की दो इमेज दिखती है, डबल इमेज दिखती है, डायरिया टाइप की सिचुएशन हो जाती है, टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट की वृद्धि, हृदय की गति है बढ़ जाती है, शॉक, एक तरह का आघात पहुंचता है और एरिथीमियास, ये सिम्टम सारे क्रैच सांप के हैं। वाइपर सांप के काटने से हेमेटूरिया, ब्लड में यूरिया की अमाउंट है वो बढ़ जाती है, हेमरेज हो जाता है, एपिस्टैक्सिस हो जाता है, मेलिना हो जाता है, हिमोलाइसिस हो जाता है, आरबीसी है वो रप्चर हो जाएगी और पूरा हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर आ जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर भी छोटे छोटे लाल चकते जैसे हो जाता है, जिस तरह अपने बोदरी जो निकलती है, चेचक निकलती है, छोटे छोटे पैचेस स्किन के ऊपर छोटे छोटे दबे हैं वो बन जाते हैं। सी स्नेक के काटने पर हेडेक, सरदर्द होता है बहुत जबरदस्त, मिलेजियास सिम्टम होता है, मायोपैथी होती है, मसल्स काम करना बंद कर देगी, रेबडोमाइलाइसिस, ये भी आंखों का रेबडोम जो होती है आंखों के अंदर वो इफेक्ट होती है, और जीभ जो ऐसा लगता है जीभ मोटी होती है, ऐसा मनुष्य को आवाज होता है। तो ये कुछ लोकल सिम्टम और सिस्टमिक इफेक्ट है इन सांपों के काटने से। मॉनिटरिंग पीरियड कितनी देर तक, मतलब आप इनका ट्रीटमेंट आप चालू करें, कोबरा सांप है 8 घंटे तक आप मॉनिटरिंग करें और उस केस में आपको यदि डाउटफुल यदि लक्षण आते हैं तो फिर ट्रीटमेंट इनका बहुत जरूरी है। क्रैच सांप ने यदि काटा है 18 घंटे तक इनके मॉनिटरिंग करें और 18 घंटे बाद में इनका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। रसेल वाइपर ने यदि काटा है 3 दिन तक आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, उसके बाद में ईवेनमेशन या जो एंटी स्नेक वेनम है उनका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सोस्केल वाइपर ने यदि बाइट किया है तो 5 दिन तक आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन 5 दिन के अंदर यदि ट्रीटमेंट चालू नहीं किया तो उस केस में फिर ये रिस्की हो सकता है। हर पॉइजन के अलग अलग नेचर है, किसी पॉइजन का ब्रेन के ऊपर इफेक्ट है, किसी का स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक है, किसी का हार्ट के ऊपर अफेक्ट है, किसी का किडनी के ऊपर अफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इन पॉइजन की नेचर होती है। एलापेडी फैमिली के जो पॉइजन है ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं,
ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे, कार्डियोटॉक्सिक है हार्ट के ऊपर प्रभाव डालेंगे, नेफ्रोटॉक्सिक है किडनी के ऊपर प्रभाव डालेंगे, वाइपर के जो सांप है ये हीमोटॉक्सिक है, नेक्रोटॉक्सिक है, इसमें जो स्किन है वो काली हो जाती है, स्किन की डेथ हो जाती है, और क्रोटेलिडी फैमिली है ये पॉइजन में नेक्रोटॉक्सिक है। तो ये अलग अलग लक्षणों के हिसाब से, और कोबरा का जैसे फुल फॉर्म में जैसे को मीन्स कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रा बी आर ए ब्रा मीन्स ब्रेन, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जैसे इफेक्ट होता है। एक एब्रीविएशन और है इसका COBRA, COB, COB का अर्थ है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का स्कंदन, RA का अर्थ है रेस्पिरेटरी एस्फेक्सिया। तो कोबरा जो शब्द जो लिया है उसके अंदर इसका एब्रीविएशन भी शामिल है। ये पैथोजेनिक अगेन वही कंपेरिजन, कोबरा सांप में लोकल टिश्यू डैमेज होता है, क्रैथ में नहीं होता है, रसेल वाइपर में होता है, सॉस्केल वाइपर में होता है, अन्य वाइपर्स में होता है। टॉसिस पलकों का जो झुकना कोबरा सांप में होता है, क्रैथ में होता है, वाइपर में होता है, सॉस्केल में नहीं होता है, अदर वाइपर्स में नहीं होता है। रक्त का कोएगुलेशन कोबरा में नहीं होता है, क्रैथ में नहीं होता है, रसेल वाइपर में होता है, सॉस्केल वाइपर में होता है, अन्य वाइपर में होता है। इसलिए आजकल सांप का जो पॉइजन है इसे एंटी कोएगुलेंट मेडिसिन में बनती है, यानी कई बार अपने एक गैंग्रीन डिजीज होती है मनुष्यों में, तो उसमें बिना चोट लगे धमनियों के अंदर रुधिर का थक्का जम जाता है और पूरी धमनियां जाम हो जाती है। उस केस में साउथ में तो जैसे जोंक होती है वो चिपका देते हैं, तो जोंक है वो पूरे क्लॉट को क्या चूस लेती है और नाड़ी साफ हो जाती है। आजकल सांप के पॉइजन का भी यूज होता है क्योंकि एंटीकोगुलेंट है, और कहीं भी क्लॉटिंग हो गई, गैंग्रीन जैसी सिचुएशन होगी, विद इन 5 मिनट पूरी धमनी एकदम साफ हो जाती है। और इसका यूज ये जो धमनी ब्लॉकेज जो हो रहा है आजकल, कोरोनरी धमनी ब्लैक हो गई है, इसमें ओपन बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है, स्नैक पॉइजन से उस धमनी को आप ट्रीट कर सकते हो बाकायदा इसमें। और रीनल प्रॉब्लम कोबरा में नहीं है, क्रैथ में नहीं है, वाइपर में होती है, किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी, सॉस्केल वाइपर में नहीं है, अदर वाइपर्स में प्रॉब्लम है, और नियोस्टिग्मिन ये एक तरह का ट्रीटमेंट है एक तरह का। ये रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ये स्लाइड आपके ज्यादा पर्पज की नहीं है, ये उन हॉस्पिटल में जो नर्सिंग कर्मी है उनके लिए है कि आप भी क्या क्या चीज आप नोट करो। आपको कहीं से ही फोन आए तो सबसे पहले आप उस पेशेंट का नाम नोट करो, किस लोकेशन का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कितनी बजे काटा, कहाँ काटा, बॉडी के किस पार्ट में काटा है, उसने सांप देखा या नहीं देखा, देखा तो किस तरह का था, कितनी साइज थी, है ना, और काटे स्थान पर पंक्चर कितने, 2 पंक्चर है, 4 पंक्चर है, 6 पंक्चर है। तो ये कुछ लोकल बातें हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर टेलीफोन से जब सूचना दर्ज करवाते हो तो वो नोट करते हैं, इनका चार्ट बना होता है, और पूरे इंडिया से जब कंपाइलेशन होता है फिर एनुअल रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है। ये पॉइंट भी अपन डिस्कस कर लिया है। अब पॉइजन जैसे मैंने बताया ये लार होती है सलाइवा की, अपने बॉडी में सलाइवा है, इसके अंदर सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम जैसे होता है, टाइलिन होता है, लिक्विड लाइपेज होता है। तो सांप के वेनम में भी एक तो सेरीन प्रोटीएज प्रोटीएज एंजाइम है, और इसका मेन काम होता है हेमोलाइसिस करना, इसलिए जब भी बाइटिंग होती है तो आरबीसी फट जाती है, हीमोग्लोबिन सारा बाहर आ जाता है। अन्य प्रोटीएज एंजाइम भी है, ये भी हेमोलाइसिस करते हैं। इसके अलावा फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम इसमें होता है, ये एंजाइम मायोटॉक्सिक है, आपकी मांसपेशियों को प्रभावित करेगा, कार्डियोटॉक्सिक है, हार्ट को प्रभावित करेगा, न्यूरोटॉक्सिक है, ब्रेन को प्रभावित करेगा, और वेस्कुलर परमिएबिलिटी ये बढ़ा देता है, पारगम्यता, धमनियों की जो पारगम्यता होती है उसको ये इंक्रीज करता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम इसमें होता है, और हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो होता है ये सेल्स के बीच में हाइलुरोनिक एसिड होता है कोशिकाओं को ज्वाइंट करने के लिए, अपने फर्टिलाइजेशन में जैसे पढ़ा होगा अपने शुक्राणु से भी एंजाइम निकलता है हाइलुरोनिडेज, जो अंडे की झिल्लियों को डिजोल्व करता है और स्पर्म फिर पेनिट्रेट करता है। तो कोशिकाओं के बीच में जो कनेक्शंस है, कोशिकाओं के बीच में जो जॉइंट है हाइलुरोनिक एसिड्स का, उसको ये डाइजेस्ट करता है। न्यूरोटॉक्सिन्स भी ब्लड के अंदर होंगे, एक तो अल्फा टाइप का, एक बीटा टाइप का। अल्फा टाइप का जो टॉक्सिन है ये पोस्टसिनेप्टिक इनहिबिशंस करता है, यानी आपके नर्व में उद्दीपन सेल बॉडी से एक्सॉन के टर्मिनल तक तो चला जाएगा, लेकिन एक्सॉन से अग्रि तंत्रिका के अंदर ये प्रोपेगेट नहीं होगा, तो उद्दीपन का संचरण एक तरह से बंद हो जाता है।
और बीटा टाइप का जो टॉक्सिन्स है इसका जो एक्शन है वो प्री सिनेप्टिक होता है, यानी सिनेप्स से पहले का मतलब एक्सोन का टर्मिनल हो गया और पोस्ट सिनेप्टिक का मतलब डेंड्राइट का टर्मिनल हो गया। तो अल्फा और बीटा इन दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है, ये भी पूरा एक रिसर्च आर्टिकल है, इसमें भी पूरे घंटे का व्याख्यान हो सकता है कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है सांप की, क्योंकि रिसेप्टर के थ्रू इसका एक्शन होता है, जिस तरह हार्मोन काम करते हैं, मेडिसिन काम करती है, फैट सॉल्युबल विटामिन काम करते हैं, उसी तरह से इस पॉइजन की पूरी कार्य प्रणाली है। ये पॉइंट भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, एलापीडी फैमिली, वाइपरिडी, अदर। ये कंपेजन है, ये भी क्लियर हो चुका है। ये कुछ फिगर है, जैसे इंडियन कोबरा में कई कई डिजाइन है। ये बच्ची ताल छापर की है, तो ताल छापर में जो कोबरा है उसके अंदर सर्कुलर निशान है इसमें फुट के ऊपर, ये जो है ओमेगा जैसा है, शिव जी के त्रिशूल जैसा। तो इसलिए स्पेक्टेकल की मार्क के बेसिस पे इनकी उपजातियों की पहचान होती है। नाजा नाजा है, नाजा हाना है, नाजा ऑक्सियाना है। तो स्पेक्टेकल मार्क की डिजाइन कैसी है उनकी बेसिस पे इन सब स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन है। तो कोबरा सांप है, उनकी भी उपजातियां 4-5 तरह की है। ये कॉमन क्रैच दिखाया है, पीवना सांप जिसको बोलते हैं। और पीवना सांप में क्या होगा, वर्टिकल धारियां मिलेगी पूरी बॉडी में, बॉडी है वो काले रंग की है या कोबाल्ट ब्लू टाइप की है, और वर्टिकल धारियां हैं, वर्टिकल सफेद धारियां, इसका मतलब ये पीवना सांप है। ये इसमें देख लो किंग कोबरा, किंग कोबरे में भी हुड होता है लेकिन स्पेक्टेकल मार्क नहीं होता। और ये भी बहुत पॉइजनस स्नेक है, ये हिमाचल एरिया में, जम्मू कश्मीर एरिया मिलता है, अपने राजस्थान में नहीं है, इसके अंदर स्पेक्टेकल मार्क नहीं है। ये समुद्री सांप है, कॉरल स्नेक जैसे, इसमें आप देख रहे हो इसकी पूंछ देखो चपटी है, पूंछ यदि चपटी है तो ये जलीय सांप है, और ये सांप भी जहरीले होते हैं, और ये इनके अंडों की जैसे शेप दिखाई है, अपने चमचम जैसे होती है मिठाई, उस तरह के अंडे हैं। कुछ सांप है वो वीवीपेरस भी है, वाइपर सांप है, वीवीपेरस है, ये सांप है ओविपेरस है, अंडे देने वाले भी हैं और बच्चे देने वाले भी हैं। ये सौ स्केल वाइपर है, ये अपने यहां मिलता है, ये रसेल वाइपर है, ये भी अपना मिलता है, और इसमें ईंट के जैसे ये धब्बे होते हैं। ये बैंडेड क्रिट है, गुजरात साइड में मिलता है, ये कॉमन क्रैट, ये अपने यहां मिलता है, विशेष पर जो नीम का थाना एरिया है, खेतड़ी एरिया है, उदयपुर वाटी है, हर्ष की पहाड़ियां है, वहां पर ये स्नेक मिलता है। इस चित्र में आप देख रहे हो दो पंक्चर है, इसके हाथ में दो पंक्चर है, एडी पे दो निशान है, इसका मतलब ये जहरीले सांप की बाइटिंग है। इसमें देख रहे हो कई निशान है दांत के, इसका मतलब नॉन पॉइजनस स्नेक, तो कटे दो निशान है नो प्रॉब्लमेटिक, पॉइजनस स्नेक है, कई दांतों के निशान है, डरने कोई दिक्कत नहीं है, नॉन पॉइजनस स्नेक है, इसमें आपको कोई वैक्सीन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, हल्की सी एंटीबॉडीज या बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली मेडिसिन है वो आपको लेनी पड़ेगी। ये देख रहे हो ये वाइपर सांप जैसे, हेड त्रिकोणाकार है और हेड और बॉडी के बीच में ये नेरो गर्दन है, खांच है एक तरह की, और इसकी बाइटिंग में दो पंक्चर है, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, इसका जो सिर होगा वो त्रिकोणाकार नहीं होगा, सिलिंड्रिकल होता है, और इसकी बाइटिंग में दांतों के कई निशान है। तो टू पंक्चर पॉइजनस, मैनी पंक्चर नॉन पॉइजनस। ये आइडेंटिफाई के तरीके मैं आपको बता ही चुका हूं, किस तरह सांप को जैसे आइडेंटिफाई करें, उसके आप पूंछ देखें, उसका वेंट्रल सर्प देखें, उसका उनके हेड के स्केल्स देखें, आंखों की पुतली देखें, और यदि बाइट कर लिया तो बाइट के निशान्स को देखें। ये कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। बाइटिंग के भी चार जैसे कैटेगरी इसमें दिखाई है, एक तो ड्राई बाइटिंग, इसको गांव में पान लगना जैसे बोलते हैं, ड्राई बाइटिंग में कोई दांतों के निशान नहीं होंगे तो बहुत ही हल्के टाइप के, खून नहीं निकलेगा उसमें, तो पहली जो कैटेगरी है ये ड्राई बाइटिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड जो है ये माइल्ड टाइप की है, इसमें हो सकता है बहुत कोई 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम पॉइजन आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट हुआ है। मॉडरेट, ये थोड़ी गहरी है, इसमें अमाउंट ज्यादा जाती है, और बहुत खतरनाक है, ये सीवियर है, इसमें फिर वेनम जितना भी होता है, क्योंकि खतरनाक सांप है, छेड़ा हुआ सांप है, ब्रीडिंग सीजन में यदि आपने कहीं उसके ऑब्स्टेकल डाल दिया
उसमें वो खतरनाक बाइटिंग करता है, पूरे अपने जबड़े को भींचता है, और जबड़े भींचता है तो जितनी भी सलाइवा होती है वो सारी आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जाएगी। और उस केस में कई बार तो ये भी देखा है कि 200-200 इंजेक्शन आपको लगाने पड़ते हैं हर 15-15 मिनट के इंटरवल्स। 6-7 दिन तक लगातार ईवेनमेशन चलता है, स्नैक में एंटी स्नैक वेनम जो होती है वो चलती है। तो ये 4 कैटेगरी है स्नैक बाइट। ये लक्षण है कुछ एलापिड फैमिली के, जब सांप काटेंगे तो उसमें जैसे टॉसिस ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, डिप्लोपिया होता है, ऑप्थेलोप्लेजिया होता है, रेस्पिरेटरी फेलोर होती है, ब्रेन में स्ट्रोक होता है। इनके फिगर भी मैं शेयर करूंगा। ये जैसे आप देख रहे हो पुतली, आंखों की पुतली धीरे धीरे झुकती जाएगी, धीरे धीरे झुकती जाएगी प्रोसेस। वाइपर सांप ने यदि काटा है तो एक्सटेंसिव स्वेलिंग होती है, फाले हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है, हीमोस्टेटिक प्रॉब्लम होती है, ऊजिंग होती है, मांसपेशियां होती है वो तरकुरूपी हो जाती है, और पूरा पैसेज जो होता है वो रेडिश हो जाता है, यूरिन भूरे रंग का आने लग जाता है। भूरे रंग का यूरिन इसलिए आता है कि मान लो स्टोमक में जैसे फट गया सपोज, अब स्टोमक में HCl होता है अपनी बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन जब HCl से रिएक्शन करेगा तो वो हिमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आप करते हो, हीमोग्लोबिन का टेस्ट जब करते हो तो हिमेटिन जब कन्वर्ट हो गया, ये हिमेटिन फिर यूरिन के थ्रू क्या पास होता है, तो पेशाब जो होता है वो भूरे रंग का काले रंग का जैसे आ रहा है, इट मीन्स बॉडी में RBC का हिमोलाइसिस हुआ बहुत जबरदस्त। और ब्राउन यदि यूरिन आ रहा है तो ये एक इंडिकेशन है इसका। इसके अलावा रीनल फेलियर हो सकती है, ये आप देख रहे हो इसमें वाइपर सांप की बाइटिंग है और पूरे इस पार्ट में टिश्यू फ्लूइड से भरे ये फाले जैसे हो गए, ये पूरा हाथ जगह जगह लाल लाल धब्बे, लाल लाल स्पॉट जैसे बन जाते हैं। हाँ, ये स्क्रीनिंग है इसमें, छोटे बच्चे का जैसे हाथ है, इस उंगलियों देख लो ये काला। अब हर आधा घंटे से मॉनिटर करो है कि ये नीलापन या सफेदपन है स्प्रेड कितनी जल्दी हो रहा है, और आप मार्कर पेन से आप बाउंड्री बनाते जाओ तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ एक घंटे के अंदर 1 सेंटीमीटर स्प्रेड हो रहा है या 2 सेंटीमीटर स्प्रेड हो रहा है, तो वो डॉक्टर के क्या डायग्नोसिस के अंदर हेल्पफुल होती है। और जितनी खतरनाक बाइटिंग होगी स्प्रेडिंग उतनी जल्दी होगी, स्लो बाइटिंग होगी तो स्प्रेडिंग भी स्लो होगी। मांसपेशियां अकड़ जाती है, मांसपेशियों में टेंडरनेस हो जाती है, आदमी चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, अकलाता है आदमी, प्रॉपर बोल नहीं पाता है, आवाज नहीं निकल पाती है, सांस नहीं ले पाता है, गर्दन के अंदर जकड़ जाती है, कंधों में भयंकर दर्द होता है, इसमें जीभ ऐसा लगता है जीभ फूल गई है, जीभ मोटी हो जाती है। ये वही इन्फ्लेमेशन जैसी पोजिशन, पूरी टांग में लाल लाल धब्बे जैसे। ये स्टोमक का पार्ट दिखा है, स्टोमक के अंदर हीमोलाइसिस हो गया है और आंत से ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग वो एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो हेमेटिन में बदल जाएगी, और पूरा यूरिन पूरा टॉयलेट ब्राउन कलर का रेडिश कलर का। ये आप देख लो नेक्रोसिस की फाइनल स्टेज, पूरी टांग है काली हो चुकी है एकदम, हर सेल की डेथ हो गई है। अब इस केस में क्या होगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा और कोई इसमें ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। गले में जो थायराइड फॉलिकल्स हैं ये स्वेल हो जाते हैं, आदमी प्रॉपर बोल नहीं पाता है, उच्चारण नहीं हो पाता है। ये देख रहे हो बच्चे ये बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन आवाज नहीं निकल रही है, जीभ में एक तरह से लकवा, जीभ एक तरफ बांकी हो जाएगी, इस आदमी देख रहे हो अब जीभ एक तरह से बैंड होगी। तो मांसपेशियों की जो मसल्स है, ये जीभ की जो मसल्स है ग्लोसोफेरिंजियल, उसके अंदर बेंडिंग हो गई है। ये नेक्रोसिस, पूरे चेहरे की स्किन काली हो जाएगी, सेल्स की डेथ हो रही है, वॉमिटिंग होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, नक्सी छूटती है, नाक से ब्लीडिंग होती है, डबल इमेज। आपको मैंने बताया कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो आपको डबल इमेज उसकी दिखती है। हाइपोवॉलेमिया, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाथ जो होते हैं वो टेंडरनेस स्टिफनेस आ जाती है, हाथ बेंड हो जाते हैं। जलीय सांप जो काटते हैं उनके लक्षण भी जैसे डिस्कस मैं कर चुका हूं, स्टिफनेस आती है, अकड़न आ जाती है, टेंडरनेस आ जाती है, और मायोग्लोबिनुरिया हो जाता है।
लास्ट में रीनल फेल, किडनी है वो फेल हो जाती है, लेकिन अपने यहाँ जलीय सांप नहीं। एक सांप ने मैंने डिटेक्ट किया है मोतीलाल कॉलेज के बाहर, जो सीवेज लाइन जो है गटर की लाइन, उसके अंदर टिफ्लॉप्स जैसे मैंने 7-8 साल पहले देखा था, ग्लास नेक जिसको बोलते हैं, तो टिफ्लॉप्स वैसे जलीय सांप है, ये गंदी नाली के अंदर जैसे मिलता है, वो टिफ्लॉप्स भी अपने एरिया में मिलता है। ट्रेडिशनल मेथड है उसको आप अवॉइड करें। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है कि गांव में जैसे स्नेक बाइटिंग है, वहां पर वो कोई रस्सी बांध देते हैं, रुमाल बांध देते हैं। अब मकसद तो यह है कि भाई बाइट यहाँ क्या है, यहाँ बांध दो है, ताकि पॉइजन आगे नहीं जाए। लेकिन जो ही आपने उस रस्सी को खोली, रस्सी को खोलते हो बहुत तेजी से, यानी 500 किलोमीटर की स्पीड से ब्लड फ्लो होता है और एक सेकंड के हजारों हिस्से में वो पॉइजन आपके हार्ट में ब्रेन में पहुंच जाएगा। इसलिए आप बांधे नहीं, बांधे तो भी हल्का बांधे, नहीं तो ट्रंकेट है इसको आप यूज में नहीं ले। इसके अलावा कोई इंसीजन नहीं लगाए। कई बार क्या होता है वहां पर ब्लेड से चीरा लगा दिया और हाथ लटका दिया, साफ पॉइजन निकल जाएगा, पॉइजन नहीं निकलेगा। तो कोई भी चीरा है वो नहीं लगाए। इसके अलावा मुंह से चूसने का प्रयास भी नहीं करें। कई बार अफेक्शन के कारण ऐसा मेरे बच्चे को काट लिया और वो मुंह से चूस रही है, उसकी डेथ हो जाएगी खुद की। और घाव को धोना भी नहीं चाहिए, चुन्ने के पानी से धोते हैं, ये जो लाल दवाई है पोटी से परमानेंट उससे धोते हैं, और ये धोना है ये भी क्या खतरनाक है। और कई बार बर्फ का भी जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, अब ठीक है बर्फ से ट्रीटमेंट से तंत्रिका है वो सुनी हो सकती है, लेकिन पॉइजन की स्प्रेडिंग तो भाई ब्लड के थ्रू हो रही है, तो बर्फ है उसको भी यूज में नहीं ले। ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अलावा जो ओजा है, कालबेली है, झाड़ फूंक देने वाले हैं, उनसे भी बच के रहें, घोगा मेढ़ी से भी बच के रहें, क्योंकि घोगा जी बचाने नहीं आएंगे यदि गहरी बाइटिंग है, उसके इसमें तो हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। एंटी स्नेक वेनम का जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मोनोवेलेंट वैक्सीन भी है। ये मोनोवेलेंट वैक्सीन तभी कामगार होती है जब आप उस सांप को पहचानो। आप 100% श्योर हो कि मेरे को तो वाइपर नहीं काटा है, मेरे को तो कोबरा नहीं काटा है, उस केस में तो क्या होगा, वो इंजेक्शन लग जाएगा और विद इन 1 आवर आपकी रिकवरी हो जाएगी। ये आपको काटा बांडी ने है और आपने वैक्सीन वाली कोबरा के काम में ले ली, वो मेडिसिन काम में नहीं करेगी। तो इसके लिए आजकल पॉलीवेलेंट या कॉकटेल वैक्सीन बोल सकते हैं इसको, जिसके अंदर सभी तरह के फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन करने वाले एंटीबॉडीज इसके अंदर मौजूद होती है। तो सांप का यदि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता है तो फिर कॉकटेल वैक्सीन है उसका ट्रीटमेंट है वो चालू किया जाता है। ये जो डोज है, एक एंटी स्नेक वेनम की एक वायल कोबरा के 0.6 मिलीग्राम पॉइजन को न्यूट्रलाइज करेगी, कॉमन क्रैथ के 0.45 मिलीग्राम को न्यूट्रलाइज करेगी, सेल वाइपर में 0.6 मिलीग्राम को न्यूट्रलाइज करेगी और सौ स्केल वाइपर में 0.45 मिलीग्राम को न्यूट्रलाइज करेगी। बाइटिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है और मान लीजिए 5 मिलीग्राम ब्लड पॉइजन आपके ब्लड के अंदर एंटर कर चुका है, अब उसके हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो 0.6 मिलीग्राम में एक वॉयल, अब 5 मिलीग्राम पॉइजन आपके ब्लड में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लो कितनी वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। तो कई बार तो 200-300 वॉयल की भी जरूरत पड़ती है, और हल्की बाइटिंग है तो 5-7 वॉयल्स में भी क्या काम चल जाए। ये सिम्टम अपन डिस्कस कर चुके हैं सारे। ये एंटी वेनम वैक्सीन है जो हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में बनती है पुणे के अंदर, और कसौली हिमाचल में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इनको बनाने के लिए घोड़े को जैसे काम में लेते हैं। घोड़ा एक ऐसा एनिमल है जो सांप के काटने से मरता नहीं, तो घायल जो घोड़े होते हैं विशेषकर, जो घायल घोड़ा घायल हो गया तो ठीक है दौड़ नहीं सकता, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम कमजोर थोड़ी हुआ है। जितनी भी रिसर्च जो उठा है इसमें घायल घोड़े वो क्या है सेठ लोग हैं वो खरीदते हैं 2-2 लाख में, जो रेसर घोड़ा है उसकी तो वैल्यू भी 1-1 करोड़ रुपए होती है। अब उन घायल घोड़ों के ब्लड में सांप के पॉइजन का इंजेक्शन देंगे और उसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है, फिर 1 हफ्ते बाद में उस घोड़े का ब्लड निकालेंगे और ब्लड निकाल के उसको फिर ब्लड क्लॉटिंग के लिए डाल देंगे, तो नीचे ब्लड क्लॉट हो जाएगा ऊपर सीरम रह जाएगा और उस सीरम के अंदर इस पॉइजन की एंटीबॉडीज होती है, इससे फिर ये वैक्सीन बनती है। तो ये एक तरीका है वैक्सीन बनाने का। ये इनका देने का तरीका है, आफ्टर 10-15 मिनट 9 वॉयल्स कैन बी एडेड। ये खतरनाक बाइटिंग का दिखाया, हर 15 मिनट के इंटरवल से 9 वैक्सीन जो ट्रांसफ्यूजिंग फ्लूड है उसके अंदर डालते हैं। आप कल्पना करो
हर 15 मिनट में 9 वैक्सीन, 1 घंटे के अंदर 48 वैक्सीन, और पूरे 24 घंटे में आंकड़ा 400-500 तक पहुंचता है। टाइमिंग जो है वो बेस्ट तो ये रहता है कि विद इन 4 आवर्स ट्रीटमेंट चालू हो जाए, रिकवरी बहुत फास्ट होगी। 48 घंटे तक भी आप ट्रीटमेंट चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और 6-7 दिन तक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत ज्यादा डिले होती है तो फिर क्या है, फिर डेथ शो होता है। ये कॉम्प्लिकेशन है, आघात होता है, रीनल फेल होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है क्योंकि एंटीकोगुलेंट है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है इसमें, तो कहीं भी चोट लगी तो खून लगातार बहेगा, उसके अंदर एनीमिक सिचुएशन हो जाएगी, उसके इसमें आदमी की डेथ हो सकती है। ये कुछ फिगर है अलग अलग सांपों की, ये कोबरा स्नेक, ये सांप, ये कोबरा के दांत दिखाए बहुत छोटे होते हैं, ये क्रैच सांप है, बॉडी काली होगी, वर्टिकल व्हाइट स्ट्रिप होती है इसमें, ये वाइपर के दांत है, देख रहे हो आप कितने बड़े दांत है। ये किताब है, इसमें स्नेक भी है, इसमें 400 क्वेश्चंस है, आपकी कोई भी किसी तरह क्वेरी हो सारे क्वेश्चंस इस बुक में मिलेंगे। इसमें देख रखा है अफ्रीका की स्पीसीज है, उसके जो दांत है वो 5 सेंटीमीटर के है, और 5 सेंटीमीटर कल्पना करो आप जब वो सांप काटता है तो है कितनी गहराई तक, मतलब मांसपेशियों तक पॉइजन है वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता है। ये रसेल वाइपर है, ये पीट वाइपर है, ये मैनेजमेंट का प्लान है, जैसे मैनेजमेंट वही है, भी स्नेक बाइटिंग हो तो उसको मैनेज कैसे करो, मैनेजमेंट वही है कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलाइज करो, जो भी करेक्टर्स को डायग्नोस करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, हाथों हाथ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, कमरा है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, पेशेंट के चारों ओर कोई भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन है बहुत जरूरी है, और पेशेंट को आप लिटा के रखो, खड़ा नहीं, बाची को लिटा दो, उस केस में मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है। ये कह रहे हैं कि भी जो आप रस्सी जो बांध रहे हो टाइट बांधे या ढीली बांधे, ढीली बांधनी चाहिए, जो टाइट बांधी ठीक है, आपने टाइट बांधी उस समय तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जो ही आपने उस रस्सी को ढीला किया ब्लड 500 की स्पीड से फ्लो होता है, और विद इन 1 सेकंड ब्रेन तक हार्ट तक आपका पॉइजन है वो पहुंच जाएगा। स्नेक वेनम का पूरा एनालिसिस अपन कर चुके हैं। ये कॉरल स्नेक है जो समुद्र में मिलते हैं, और इसे मिलते जुलते भी स्नेक है जो टेरेस्ट्रियल स्नेक है, ये मिमिक्री का एग्जांपल है, क्योंकि नेचर ने अडेप्टेशन दी अपने आप में है। तो कई बार क्या होता है कि शिकारी जो मान लीजिए इस सांप को खाने वाला कोई शिकारी पक्षी है और उसने इस पक्षी को खा, इस सांप को खा लिया, अब हो सकता है ये सांप खाने में टेस्टी हो लेकिन जो कॉरल स्नेक है ये खाने में टेस्टी नहीं हो। तो कई बार क्या होता है एक बार शिकारी पक्षी जो खाएगा तो फिर इस पक्षी को खाना बंद कर देता है, तो नेचर ने सर्वाइवल के लिए एक तरह की प्रोटेक्शंस भी दी है। ये स्नेक मैनम निकालने का तरीका, मान लीजिए अपने घरों में भी सांप यदि निकल जाए तो उसके गर्दन को जैसे पकड़ के, और कोई भी स्टील का प्याला हो, वाच ग्लास हो, पेटी डिश हो, उसमें आपको क्या टच करो, तो सांप अपने जबड़ों को क्या बाइट करेगा, अब जो ही बाइट करेगा सारा वेनम उस टीथ के द्वारा क्या होगा इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो ये जहर निकालने का एक तरीका है इसमें। ये पूरी मैकेनिज्म है टॉक्सिसिटी की, ये पूरा 1 घंटे का व्याख्यान है इसमें। ये साइड इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, फीवर हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाती है, थर्स्ट बढ़ जाती है, डिजीनेस आ जाता है, लोकल टिश्यू डैमेज होता है, ब्लर विजन हो जाती है, नक्सीर छूटती है, डायरिया है, कोमा में आ जाता है पेशेंट, डेथ हो जाती है। ये स्वेलिंग दिखाई है, ये वैक्सीन हॉपकिन इंस्टीट्यूट का प्रोडक्शन है। ये मॉनिटर रिपोर्ट आप देख रहे हो, इसमें बॉल पेन से जैसे मार्क किए हैं इसने है कि आधा घंटे बाद में यहां तक स्प्रेडिंग होगी, 1 घंटे यहां तक होगी, तो कितनी तेजी से डीकल्डेशन हो रहा है, ये भी एक डायग्नोसिस में काम में आती है। ये कुछ अपने एरिया के जो स्नेक है इनके फिगर्स है, ये गोल्डन हेडेड रॉयल स्नेक, इसको रजत बक्खी सांप बोलते हैं यहां पर, और ये नॉन पॉइजनस है। अब ये दिखने में वाइपर जैसा है, मांडी जैसा है, और लोग भाई इसको मार देते हैं, और ये सांप है जहरीला नहीं है, नॉन पॉइजनस है, और कोई दिक्कत नहीं है, घरों में ये अक्सर निकलता है,
ये एफोएशियन सेंट स्नेक, इसको गांव में सटकल के नाम से, जेवड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी बॉडी में चार धारियां होती है, लंबाई इसकी 12 फीट 14 फीट तक होती है। और जब ये चलता है तो अपने हेड को, आगे वाले हेड इसको 1 फीट तक उठा के जैसे रेस्ट करता है। इसको रेसर स्नेक भी बोलते हैं, दौड़ता बहुत तेज है और ये भी नॉन पॉइजनस है। ये रसेल वाइपर बांडी, ये बहुत खतरनाक है, अपने डिजर्ट का ही फोटो है, इससे आप बच के रहें। इसकी बॉडी ब्राउनिश होगी और ईंट के जैसे, ईंट के जैसे रेक्टेंगुलर ये इसमें चकते होते हैं, इससे इसकी पहचान होती है। ये ऑल हेडेड स्नेक है, सिंधी सांप भी बोलते हैं इसको। पहले मानते थे कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिलता है, लेकिन ये जो फोटो है राठौड़ लॉज के पास का ही है, रामसरा रोड है, वहां पर ये डिटेक्ट हुआ है। और 1 फीट इसकी लेंथ होती है और इसका जो रेस्ट करने का तरीका है वो क्वेश्चन मार्क जैसा होता है, या इंग्लिश में नाइन जैसे अपन लिखते हैं, नो, या प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये भी नॉन पॉइजनस। ये सॉ स्केल वाइपर, सॉ स्केल, ये भी गोल्डन स्नेक है, नॉन पॉइजनस है। ये बुंगारस प्यूना सांप, ये अपने मिलता है डोंगरगढ़ इलाके में, तो पूरी बॉडी काले रंग की होगी या कोबाल्ट ब्लू कलर की होगी और पूरी बॉडी में दोनों तरफ वर्टिकल धारियां होती है सफेद रंग की, तो वर्टिकल सफेद धारियां है तो इसका मतलब ये प्यूना सांप है। और प्यूना सांप इसलिए बोलते हैं कि गांव में भ्रांति है कि ये आदमी के सांस को पी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। खेतों में जो लोग पलंग पे सोए रहते हैं तो ये सांप क्या करता है कि हल्की सी बाइट करता है, दांत बहुत छोटे हैं इसके, वाइपर के दांत तो फिर भी मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर के हैं, इसके दांत हैं वो तो 2 mm 3 mm के, तो हल्की बाइट करता है तो नींद में आदमी है तो वो फिर मच्छर खा लिया होगा जो, तो 5-7 बार बाइट करता है तो, और हल्का हल्का पॉइजन उस आदमी के ब्लड में क्या जा रहा है। अब उसका असर भी क्या है, धीरे धीरे होगा, 5-6 दिन बाद में इसका असर होता है। ये इसका क्लोजअप दिखाया बुंगारस का, ये कोबरा स्नेक अपने डिजर्ट का ही है, ये भी कोबरा स्नेक, ये स्वयंमाधोपुर का पिक्चर है। वो रीजन वाइज भी क्या है, कलर चेंज मिलता है स्किन में, क्योंकि कहीं भी खाने के लिए मान लिए प्रचुर भोजन सामग्री है, रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, तो सांप का सीजन के अकॉर्डिंग भी क्या स्किन का कलर चेंज होता है। आपने इंसेक्ट पकड़े होंगे, जुलाई में आपने जो इंसेक्ट पकड़े उनके पंख हरे रंग के थे, विशेषकर ग्रास ऑपर्स के, और अब जो आप ग्रास ऑपर पकड़ रहे हो उनका रंग आपको भूरा रंग मिलेगा, क्योंकि स्किन में ग्रीन पिगमेंट है, वो सीजन के हिसाब से डैमेज हो गया है। तो ये जैसे रणथंभौर का सांप है, और पहले वाला जो था वो डंगरगढ़ की फोटो है। ये है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, इसी सांप की भी आप देखो, अब दोनों फोटो देखोगे तो ऐसा लगे जैसे अलग अलग जातियां हैं, सेम स्नेक। लेकिन ये जो पिक्चर है ये जुलाई के महीने की है, रेनी सीजन की है, ये जो पिक्चर है ये दिसंबर जनवरी के महीने की है, क्यों दिसंबर में इनको फिर फीडिंग मटेरियल नहीं मिलता है, स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। और कई बार हमें भी प्रॉब्लम आती है कि नई जाति का सांप होगा, लेकिन ऐसा नहीं, सेम स्पीसीज है, तो सीजन वाइज भी इनकी त्वचा का रंग जो है वो परिवर्तित होता है। ये अपने दो मुई सांप एरिंक्स जोनाई या सेंट बोआ जिसको अपन बोलते हैं, ये भी दो मुई सांप है, इसको चॉकलेट स्नेक भी बोलते हैं, चॉकलेट की तरह ब्राउन कलर होता है इसका। और इस सांप की आजकल क्या है, स्मगलिंग हो रही है बहुत ज्यादा, ये सांप इंटरनेशनल मार्केट में 5 लाख रुपए इसकी वैल्यू है, और जो सफेरे होते हैं उनको 50,000 रुपए में वो सप्लाई करते हैं। ये सांप यहां से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नेपाल जाते हैं, और नेपाल है वो बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है, नेपाल है, थाईलैंड है, चाइना है, इंडोनेशिया है, यहां पर वाइल्ड लाइफ की ट्रेडिंग होती है बहुत जबरदस्त। और इस सांप के स्मगलिंग के पीछे मकसद क्या है कि इसकी जो स्किन है इरिडिसेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, इरिडिसेंट मतलब चमकीला। आप यदि सड़क पे जा रहे हो मोटरसाइकिल से और 200 मीटर दूर यदि सांप क्रॉस कर रहा है सड़क को, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि स्किन से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, और इसकी स्किन में इरिडियम धातु, इरिडियम धातु की वजह से इसकी स्मगलिंग हो रही है। अब हो सकता है इरिडियम आप माइन में से निकालो तो खर्चा करोड़ों में पहुंचता होगा, और इसी एक सांप से मान लीजिए 5 मिलीग्राम भी इरिडियम निकलता है तो फायदे का शुद्ध है, तो इसकी स्मगलिंग का मेन कारण इसका यह है। ये रॉयल हेडेड गोल्डन स्नेक, नॉन पॉइजनस। पाइथन अपने चूरू में तो नहीं है, लेकिन नीम का थाना में है,
खेतड़ी साइड में है, अरावली हिल्स में है। तो पाड़ी सीजन के अंदर आप जब भी आप जुलाई अगस्त में जाओ, लोहागजी है, शाकंभरी है, वहां के पहाड़ी क्षेत्रों में पाइथन जैसे मिल सकता है। ये कुछ मैनेजमेंट है। विदेशों में ये देख रहे हो, सांप की शराब भी जैसे पी जाती है। अभी कोरोना वायरस चाइना से आ रहा है, चमगादड़ से, चमगादड़ का सूप पीते हैं। ये थाईलैंड का है और इस बोतल के अंदर कालनाग सांप पैक है। कालनाग सांप को बॉइल करके शराब बनाई गई है और इसकी कॉस्ट भी 50,000 रुपये इस बोतल की। तो और लिए मोटा मोटी इस चैप्टर को। कोई क्वेश्चन सरकारी कॉलेज से? एनी क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज? चार पांच कोटा है, झालावाड़ है, सागवाड़ा है, अच्छा दूसरा है। आप इसको कोई पूछना चाहें? और ये दो किताबें हैं तो रूमलेस व्हिटेकर, स्नेक्स ऑफ इंडिया, तो पूरी रामायण है, सांपों की जितने भी इंडिया में सांप है सबका पूरा डिटेल है। और ये क्वेश्चंस हैं, 400 क्वेश्चन है, आंसर है। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस किताब में मिलते हैं। सबसे बड़ा सांप कौन सा है, सबसे छोटा सांप कौन सा है, बच्चे जहरीले होते हैं, एडल्ट जहरीले होते हैं, सांप की फोटोग्राफी कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। थैंक यू।